नमस्कार, क्रेडिबल हिस्ट्री पर आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ होंगे मशहूर वैज्ञानिक और शायर गौहर रजा साहब। हम बात करेंगे नूह में हुई हिंसा पर। ऐसा लगता है पिछले कुछ सालों से हिंसा और सांप्रदायिक दंगे रोज बरोज की चीज बन गए हैं। अभी एक जगह परेशान होता है आदमी, एक जगह की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है तब तक दूसरी जगह सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो जाती है। मणिपुर से एक वायरल वीडियो आया था जिसके बाद पूरे देश में भूचाल मच गया कि मणिपुर में ऐसी हिंसा चल रही है। उसके बाद बहुत सारे फोटोग्राफ, बहुत सारे वीडियो आए, विपक्ष ने शोर मचाया, हम सब ने कहा। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ 37 सेकंड में मणिपुर की बात संसद के बाहर करके चले गए। ना तो संसद में आए और ना ही आज तक उनका कोई दूसरा बयान मणिपुर के ऊपर आया है। मणिपुर आज भी जल रहा है। लेकिन इससे पहले कि मणिपुर शांत होता, अचानक हरियाणा में हिंसा शुरू हो गई। वही पुरानी मोडस ऑपरेंडी जो लगातार हम देख रहे हैं। एक यात्रा निकालने की प्लानिंग होती है, उसके पहले मोनू मानेसर का वीडियो आता है। मोनू मानेसर वही है जो मेवात में जुनैद और नासिर की जो लिंचिंग हुई थी उसके लिए आरोपी है। आज तक दो प्रदेशों की पुलिस मिलकर उसको पकड़ नहीं पाई। राजस्थान कह रहा है कि हरियाणा मदद नहीं कर रहा, हरियाणा कह रहा है कि राजस्थान नहीं कर रहा, जो भी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दूसरा बिट्टू बजरंगी आ गया, उनका कहना है कि वो जो वीडियो जारी किया था, अगर आप सुनेंगे तो वो सीधे एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि 150 गाड़ियों के साथ मैं आ रहा हूं, तुम्हारा जीजा हूं, फला है, ढिमका है। और इस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है, उसके बाद गोलियां चलती हैं, पत्थर चलते हैं, और होता क्या है कि उन्हीं लोगों को फिर से गिरफ्तार किया जाता है, उन्हीं के घर गिराए जाते हैं जो दंगे के शिकार हुए हैं। आज हमारे साथ, जैसा हमने बताया, गौहर रजा साहब हैं, उनसे हम इस पर विस्तार में बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। पहला सवाल तो यही से कि ये जो दंगे होते हैं, जो अब रोज बरोज के नियम बन गए हैं, ये ऐसे ही हो जाते हैं? लोग इतने पागल हैं कि अचानक एक दिन उठते हैं और दंगा करना शुरू कर देते हैं, या इसकी कोई मोडस ऑपरेंडी है? अशोक, मैं पहली याददाश्त जो मेरी दंगों की है वो अलीगढ़ में मैं था, स्कूल में पढ़ता था, तो वहां पर 1961 में दंगा हुआ। और क्या दहशत थी वो मुझे एज अ चाइल्ड, बच्चे की तरह से, स्कूल जाने वाले बच्चे की तरह से अच्छी तरह से याद है। लेकिन जाहिर है पूरी तरह से तब समझ नहीं थी, बेहद खौफ था चारों तरफ। तो ऐसे दौर से गुजरा है ये मुल्क जब दंगे 70 के आते आते अलीगढ़ में तो हम लोग कहने लगे थे कि सिटी ऑफ राइट्स हो गया है शायद इसका नाम। लेकिन इनको, इनके अंदर मैंने लगातार बदलाव देखा है। दंगों की जो डायनामिक्स है उसमें लगातार एक बदलाव देखने को मिला है। तब जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ का एक एमएलए था, उसका सिनेमा हॉल हुआ करता था, और सिनेमा हॉल का दरवाजा लोगों के घरों की तरफ खुलता था, तो रात को बहुत परेशानी होती थी, लोगों ने एतराज करना शुरू किया। वहां कुछ चंद एक मुसलमानों के घर थे, ज्यादातर हिंदुओं का इलाका था। वहां से दंगे की शुरुआत हुई और पहली बार ऐसा लगा कि ये दंगा जो है वो एक बहुत ही लोकल मसले को हल करने के लिए किया कराया गया है। लेकिन एक नया आयाम जुड़ा कि प्रॉपर्टी को हड़पा जा सकता है। मुसलमान औने पौने दाम में अपने घर बेच के वहां से चले गए। ये हमें 84 में दिखाई देता है, दिल्ली में बड़े लेवल के ऊपर जो हुआ, सिखों के खिलाफ हिंसा हुई, सिख अपनी प्राइम प्रॉपर्टी छोड़ करके दिल्ली से भागे। तो अब एक नया इंटरेस्ट ग्रुप जो दंगा कराना चाहता है वो जुड़ गया। सिर्फ राजनीति नहीं रही, इससे पहले तक राजनीति थी, दोनों तरफ के गरीब लोगों को लड़ाया जाता था और गरीब लोग एक दूसरे को मतलब हालात बुरे हो जाते थे, घर छोड़ के चले जाते थे, घर जल जाते थे। 84 में बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया कि यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो औने पौने दाम, प्राइम प्रॉपर्टी भी बेच के लोग जाएंगे अगर दंगा करा दिया। ये हमें फिर 1992 में खासतौर से बॉम्बे में दिखाई देता है, जहां पूरी की पूरी बस्तियां साफ कर दी गई और उसमें हिंदुओं की, मुसलमानों की, दोनों की बस्तियां साफ कर दी गई। लाखों लोग जो यूपी और बिहार के थे उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। तो अब नया एक इंटरेस्ट जुड़ा। अगर हम 2002 का दंगा देखें, जो एक्सपेरिमेंट कार्यशाला में आरएसएस की किया गया गुजरात में, वहां ये गांव तक पहुंचा।
जो जमीनें छोड़ के खेत छोड़ के लोग घरों से निकले थे वो आज तक वापस नहीं आए। ये हमें वेस्ट यूपी में 2013 में दिखाई देता है कि जो लोग छोड़ के आए थे जमीनें उस पर दूसरों ने कब्जा किया और आज तक वो वापस नहीं आए। मैं समझता हूं कि मणिपुर का दंगा एक नया एक्सपेरिमेंट है और ये बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट है। भयानक इसलिए है कि ये एक कदम और आगे बढ़ा दिया फैशिज्म के एक्सपेरिमेंट को इसने गुजरात के मुकाबले में। गुजरात में मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया उसमें मुसलमानों के पास रिटेलिएट करने का यानी कि जवाब देने का कोई चांस नहीं छोड़ा गया था। पुलिस थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस थी और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग एक तरफ और दूसरी तरफ मुसलमान, यानी मुसलमान रिटेलिएट नहीं कर सकता था। कोई ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हो सकती थी जिसको हम कह सकें कि ये सिविल वॉर की सिचुएशन। पहली बार मणिपुर में सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट करके वहां पर जो कुछ हिंसा कराई गई है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो बड़ा भयानक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक छोटी सी जगह पे किया गया है। हम जानते हैं कि 2014 का मॉडल पूरे देश में कैसे अप्लाई किया गया। हम जानते हैं कि ये जो भयानक एक्सपेरिमेंट किया गया है मणिपुर में वो किस तरह से पूरे मुल्क में अप्लाई किया जा सकता है। उसकी एक हल्की सी झलक हमको अब हरियाणा में दिखाई दे। गोलियां चलती हैं, असलहा इस्तेमाल होता है, भावनाएं भड़काई जाती हैं, भावना धमकियां दी जाती हैं लगातार, और फिर उसके बाद एक ऐसी हिंसा होती है जो बहुत लिमिटेड है, उसको इस्तेमाल करके उसे व्यापक रूप देने की आज भी कोशिश की जा रही है। अब भी जो मैंने आज सुबह भी वीडियोस देखे हैं वो बड़े भयानक हैं, जिसमें लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हिंसा हो या ना हो सांप्रदायिकता और नफरत लगातार बढ़ती है। इसका जवाब भी दिया जा रहा है। अशोक, ऐसा नहीं है कि हम जवाब नहीं दे रहे और उम्मीद की किरणें नहीं है, जवाब दिया जा रहा है। तुम्हारी चैनल दे रही है, लाखों अब चैनल हैं ऐसी छोटी छोटी जो इसका जवाब दे रही है, पर वो व्यापक तौर पे अगर हम देखें तो जो कुछ बीजेपी या उसका पुराना रूप जनसंघ, उन्होंने 90 साल में अपने, अब तो 100 साल होने जा रहे हैं, इस पर मास्टरी हासिल की है कि कैसे नफरत फैलाई जाए, कैसे अफवाहें फैलाई जाए, कैसे एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए जिसमें मिडिल क्लास का वो आदमी जो हिंसा में सीधे नहीं जा रहा वो भी हिंसा में शामिल हो जाए, चाहे वो अपने ड्राइंग रूम में ही क्यों ना बैठा हो। ये जो है ये मुल्क के लिए खतरनाक है। प्लस एक जो ट्रेंड है गौर साहब, एक जो ट्रेंड बना है, मैं बात गया था जब लास्ट टाइम लिंचिंग हुई थी, मैंने उसको रिपोर्ट भी किया था मेरे चैनल पर, वो वीडियो भी आया था और तमाम सारे लोगों से बातचीत हुई थी तो उनके नंबर्स भी एक्सचेंज हुए थे। कल शाम से मेरे पास लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मदद कीजिए मदद कीजिए। अब यहाँ से तो हम क्या मदद कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है बोलने के अलावा। कि जब पुलिस की कार्यवाही, जिस दिन ये सारा कुछ हुआ सर, उस दिन जो नूह के चीफ थे, पुलिस चीफ थे, वो छुट्टी पे थे, और अब जब सारा कुछ हो गया तो कार्रवाई के नाम पर उन लोगों के घर गिराए जा रहे हैं या उन लड़कों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनका एक तो उसमें कोई भूमिका नहीं थी और जो असल में पीड़ित हैं। जबकि दूसरा पक्ष जो है, जैसे एक तो है कि दंगा दोनों पक्ष करते हैं, जो आपने बताया कि सिविल वार जैसी सिचुएशन होती है, इधर से भी हथियार चलते हैं उधर से भी हथियार चलते हैं, और एक वो माहौल बन जाता है जिसमें पुलिस आपके साथ आ जाती है, प्रशासन आपके पक्ष में होता है और ना केवल उस समय आपके खिलाफ कार्रवाई होती है बल्कि उसके बाद भी जो कानूनी कार्रवाई होती है उसमें भी आप ही फंसते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने दिल्ली में देखा, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गिरफ्तारियां जिस तरह से हुई हैं, जिस तरह से कोर्ट की, जब कोर्ट ने जमानतें दी हैं तो जमानतें देते समय जिस तरह की टिप्पणियां आई हैं साफ समझ में आता है कि फंसाने की पूरी कोशिश की गई, और जो लोग खुलेआम नारा लगा रहे थे चाहे वो कपिल मिश्रा हों या बाकी लोग हों, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। तो ये क्या देश में एक खास तरह का अलगाव लगातार बढ़ाया नहीं जा रहा है? दो बातें समझने की हैं अशोक, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि ये जो डायनामिक्स है इसमें, एक पहले मैं ये कह दूं कि जब दंगा होता है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो सारे के सारे स्थगित हो जाते हैं, यानी हम मूव नहीं कर सकते,
हम अगर वोटिंग हो रही है उसके बाद हिंदू इलाके में, मुसलमानों के इलाके में, तो एक दूसरे के इलाके में जाके वोट नहीं डाल सकते, बच्चों की शिक्षा अस्त व्यस्त हो जाती है, वगैरह वगैरह। मैं ये कह रहा हूँ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है। पहली बात ये समझने की है कि हर दंगा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक अटैक है। और दो बातें समझने की भी जरूरत है इसमें। एक तरफ तो देखिए जो दंगा करवा रहे हैं और जिन्हें फायदा होने जा रहा है, यानी मैं सीधा पहले भी नाम ले चुका हूं, आरएसएस और बीजेपी का विस्तार होता है हर दंगे के बाद हुआ, हर हिंसा की घटना के बाद इस देश के अंदर असल फायदा बीजेपी और जनसंघ को हुआ है राजनीतिक। अब तो रिसर्च आ गई है कि बाकायदा ये रिसर्च आ गई है कि जितने दंगे हुए हैं सब में चुनावी फायदा बीजेपी आरएसएस को हुआ है। येल यूनिवर्सिटी की अभी की रिपोर्ट है, ये बात मैं लगातार कहता रहा हूँ, चाहे वो पुलवामा ही क्यों ना हो, फायदा जो होता है अल्टीमेटली वो हिंसा का एक ही फोर्स को होता है मुल्क के अंदर। लेकिन ये कि इस फायदे को उठाने के लिए ये भी जरूरी है कि जिन गुंडों को आपने इकट्ठा किया है उन गुंडों को ये विश्वास दिलाना कि तुम सुरक्षित हो, तुम दंगा करो, तुम हिंसा करो, तुम सुरक्षित हो, क्योंकि उन्हें बाद में इस्तेमाल फिर से कर किया जाना है या किसी और जगह लोगों को प्रेरित करना है इसके लिए, उनको ये आश्वासन देना है कि तुम सुरक्षित हो। तो फिर जब एक्शन होगा तो वो परपेट्रेटर पे नहीं होगा, वो फिर विक्टिम पर ही होगा। हमें ये दिखाई देता है कि ये अकेली सरकार और अकेली पार्टी है जिसके संरक्षण में और एक्टिवली उन्होंने उन लोगों को हार पिनाए हैं जो दंगों के बीच में बलात्कार किया जाए, जो खाली आरोपी नहीं थे, उनके ऊपर इल्जाम साबित हुआ, उन्होंने जेल काटी, वो आए तो मिठाई बांटी, पहले छोड़ दिया गया, मिठाई बांटी गई। तो ये बहुत जरूरी होता है। और एक चीज जो दंगे की डायनामिक्स जो आरएसएस बहुत अच्छी तरह से समझती है वो ये है कि जो दूर खड़ा है उसको भी इन्वॉल्व कर लो, जो डिस्टेंस पे है, जो हिंसा नहीं करना चाहता उसको भी हिंसा में इन्वॉल्व कर लो। यानी वो एक छोटी सी दुकान ही लूट लेगा अपने इलाके में, वो किसी का घर जला देगा अपने पड़ोसी का या दूसरे जगह जा करके। अब अगर ये इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर उसकी जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो जाता है कि वो बीजेपी के साथ खड़ा हो, वो आरएसएस के साथ खड़ा हो, वो बीएचपी के साथ खड़ा हो, क्योंकि अगले इलेक्शन में अगर कोई और सरकार आ गई तो उसे परेशानी खड़ी हो सकती है। तो फिर आपको इस्तेमाल करना होगा इस चीज को, इस डर को दूर करने के लिए आप जुडिशरी का इस्तेमाल करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तड़ी पार को आप वापस बुलाएंगे, किसी ना किसी तरह से छोड़ देंगे, जो विक्टिम है उसको अरेस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को तो अरेस्ट करना है। उसमें एक बात यह भी है कि आश्वासन मिल जाता है कि भाई ये विक्टिम जो है अब अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हर दंगे में मेजॉरिटी कम्युनिटी भी उतनी ही डरी हुई होती है जितना माइनॉरिटी कम्युनिटी डरी हुई होती है। हर दंगे में जब आप किसी का घर जलाते हैं तो आपको ये लगता है कि अगर बच गया है ये तो वापस अटैक करेगा। और इसलिए मैं जानता हूं कि शहर पूरा सोता नहीं है फिर दंगे के बाद, वो आप 84 लीजिए या आप 2002 लीजिए, या पूरा शहर जाग रहा होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान जाग रहे होते हैं। भाई हिंदू इलाकों में, जिन इलाकों में मैं अहमदाबाद में गया, वहां कह रहे थे 3 महीने से हम सोए नहीं है, हम ऑफिस तो जा ही नहीं पा रहे, वो तो अलग है, लेकिन हम रात को और दिन में भी पहरा दे रहे हो कि कहीं उधर की तरफ से चढ़ाव ना हो, चढ़ाई ना हो जाए। दिल्ली में ये अफवाह फैलाई गई कि मुसलमान दंगों के बाद आ रहे हैं और मारने के लिए, पूरा दिल्ली स्टैंड स्टिल पे रहा 3-4 घंटे। तो ये दोनों चीजें समझना जरूरी है कि उनकी जिंदगी के लिए जरूरत इस बात की पड़ती है कि वो आश्वासन दें। और इसलिए नूह में उन सारे बच्चों को उठा लिया गया है। मेरे पास भी जो टेलीफोन आया वो इतना घबराया हुआ था कि मैं गांव में अकेला घर बचा हूं जो अभी भी यहां मौजूद है। 300 घर मुसलमानों के थे, सब अपना घर छोड़ के चले गए, और ये गाँव की बात कर रहा हूँ। शहरों में जो हुआ वो तो हम तक पहुंच रही है कुछ कुछ चीजें, लेकिन ये गांव के अंदर हुआ है कि गांव से नौजवान लड़के जाके रात को छुपे हैं पहाड़ों के बीच में, जो इलाका है वहां पर पहाड़ी इलाका, उनमें
पेड़ों के नीचे सोए हैं, जो निकल पाए वो वहां से निकल के अपने रिश्तेदारों के चले गए हैं, कुछ अलीगढ़ चले गए। कल एक वीडियो देख रहा था मैं कि पूरी की पूरी फैमिली को उन्होंने अलीगढ़ लेके चले गए, जब ठीक होगा माहौल तो आएंगे। ऐसे में विश्वगुरु बन जाएंगे, एक इंडस्ट्रियल एरिया डीएलएफ के इलाके तक पहुंच जाए यार। और फिर आप ये क्लेम करेंगे कि हम ऐसे राजपथ पे चल रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का राजपथ है। ये कौन सा राजपथ है भाई? सारी कंपनीज बंद हो गई, उनमें कह दिया कि मत आओ यहां पर, तुम घर पे बैठ के काम करो, कैसे चलेगा ये मुल्क? अशोक, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि ये लगातार एक संघर्ष है सभ्य भारत और असभ्य भारत के बीच। अंग्रेज अपनी औलादें छोड़ गए, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो नाजायज औलादें छोड़ी हैं अपनी, क्योंकि विभाजन की राजनीति अंग्रेजों ने इस देश में शुरू की, जिनका बीजेपी ने आरएसएस ने नाम लेना बंद कर दिया, उनके बारे में बात ही नहीं करते, वो मुगल काल के बारे में लगातार बात करते हैं। क्योंकि ये अगर राजनीति कोई कर रहा है नफरत की, तो वो अंग्रेजों के दिए हुए पथ पे चल रहा है। तो एक तरफ तो वही राजनीति करके जो अंग्रेजों ने बांट करके इस मुल्क को शासन किया था, वो राजनीति हमें दिखाई दे, दूसरी बात ये कि ये असभ्य भारत और सभ्य भारत के बीच में लड़ाई, ये सिविलाइज्ड इंडिया और अनसिविलाइज्ड इंडिया के बीच में लड़ाई है, चाहे वो घर में बैठ करके या टेलीविजन के ऊपर बैठ करके नफरत ही क्यों ना फैलाई जाए। ये संघर्ष हर जगह चल रहा है, आज इन्होंने इस संघर्ष को हर गली कूचे और गांव तक पहुंचा दिया है। मैं समझता हूं कि सभ्य भारत जीतेगा इसमें। हम लोगों के एफर्ट हैं, तुम्हारे एफर्ट हैं, और लाखों लोग करोड़ों लोग भाईचारा चाहते हैं। अगर इस मुल्क को डेवलपमेंट चाहिए तो जरूरत इस बात की है कि फिर इसरो के आसपास दंगे तो ना हो। कौन कह रहा है कि इसरो तक नहीं फैल जाए? हमें बड़ा फख्र है कि चंद्रयान भेजा गया। क्या हम चंद्रयान भेज पाएंगे अगर वहां बराबर में जंग दंगा हो रहा हो? क्या वो साइंटिस्ट काम कर पाएगा जो इस देश में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जो इसमें इस देश में पावर डेवलप कर रहा है, जो इस देश में चंद्रयान भेज रहा है, वो कर पाएगा क्या अपना काम? हमने हिस्ट्री के ऐसे दौर देखे हैं जिस दौर में जब जब हिंसा बढ़ी है समाज के अंदर, तब ज्ञान को पीछे ढकेल दिया, ताराज हो गए, हम सदियों पीछे चले गए। आज ये जंग वही जंग। एक सवाल गौर भाई, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं जो शर्मनाक सवाल है, मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि आपसे बात करते हुए मुझे या मुझसे बात करते हुए आप हम कभी ये सोच के बात नहीं करते हैं कि सामने वाले का धर्म क्या है। एक बात बार बार कही जाती है, चूंकि आपने पार्टीशन का नाम लिया तो मुझे लगा कि ये पूछ लूं आपसे, आपसे बेहतर जवाब इसका कोई दे नहीं सकता है। एक बात बार बार कही जाती है कि मुसलमानों का पाकिस्तान बन गया, सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाने चाहिए थे, यहां क्यों रुक गए, ये देश हिंदुओं का है, आपका परिवार यहां रुका था, क्या वजहें थी? मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया को साफ साफ वो बात बताई जाए। अशोक, ये बहुत इमोशनल सवाल है और बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। मैंने अपनी अम्मी, अपनी माँ को मैं अम्मी कहता था, मैंने अम्मी से कई बार ये बात कही कि अम्मी आपकी बहन पाकिस्तान में है, हमारी बुआ हमारी फूफी की बेटियां वहां हैं, बुआ वहां थी, आप एक बार मिलने चली जाइए, वो दो तीन बार आ चुकी हैं, आप एक बार मिलने चली जाइए। तो अम्मी टालती रही, इसमें 5 साल निकल गए। एक बार मैंने थोड़ा सा ज्यादा इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा, और उनकी आंखें थोड़ा सा नम थी, और उन्होंने ये कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि किस तरह से बटाया ये मुल्क, ये इस मुल्क का बंटवारा हमारे दिलों पे हुआ, मैं उस मुल्क में कभी नहीं गया, कदम नहीं रखा।
जाहिर है वो बहुत इमोशनल मोमेंट था हम लोगों के लिए, मेरे लिए। उसके बाद मैंने कभी ये सवाल नहीं उठाया। फिर उन्होंने बताया मुझे कि हमारी दादी थी, हमारे फादर ज़ियारत हुसैन साहब कम्युनिस्ट पार्टी में थे, एक तरफ से दबाव था कि पाकिस्तान चले जाएं जो कॉमरेड्स हैं वो, और वहां कम्युनिस्ट पार्टी बनाएं। तो जब ये सवाल उठा घर के अंदर, तो मेरी दादी जिनका कोई लेना देना नहीं था पॉलिटिक्स के साथ, जो अच्छा भी नहीं मानती थी कि मेरे फादर दहरिये हो गए थे और खुदा को नहीं मानते थे, मेरी दादी ने फैसला सुना दिया और उन्होंने कहा कि मेरे आबाओ अजदाद यहां पैदा हुए, मेरे आबाओ अजदाद की हड्डियां इस मुल्क की जमीन में हैं, तुम लोगों को जाना है, अकेले बेटे थे उनके, तुम लोगों को जाना है तो चले जाओ, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, मुझे अकेला ही क्यों ना रहना पड़े। ये इमोशनल अटैचमेंट था लोगों का अपनी जमीन के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, अपने मुल्क के साथ, उस मुल्क के साथ जिस पर अंग्रेजों ने राज किया था और राज के बाद एक खूबसूरत भविष्य के लिए लोग ख्वाब देख रहे थे। उस ख्वाब के साथ मेरी दादी जो रिलीजियस थी, उनका ये अटैचमेंट था और इस अटैचमेंट ने पूरे खानदान को हमारे रोक करके रखा, और ये कोई अकेला नहीं, लाखों खानदान ऐसे थे, करोड़ों खानदान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें रिलीजन की बेसिस के ऊपर बना हुआ मुल्क नहीं चाहिए, हम वहां जाने को तैयार नहीं। आज मैं जब पलट के देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो सही फैसला था, यही फैसला होना चाहिए किसी भी मुल्क के बंटवारे के वक्त, कि कुछ लोग कहें कि नहीं ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, और अगर किसी को मारना है तो मार दे, किसी को घर जलाना है तो जला दे, हम यहाँ से जाने को तैयार नहीं। ये अल्टीमेट मोहब्बत, ये है अल्टीमेट मोहब्बत अपने मुल्क के साथ, अपने देश के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने मोहल्ले के साथ, अपने मोहल्ले के में रहने वालों के साथ। मैं उसे मोहब्बत नहीं मानता कि यहाँ से ग्रीन कार्ड के लिए 1,00,000 लोग छोड़ करके इस मुल्क को चले जाएं हर साल, और हम उसके ऊपर कहें कि ये देशभक्त हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से बाहर बैठ करके कितना भी जहर क्यों ना बोले। मैं इसको देशभक्ति मानता हूं कि हम छोड़ने को तैयार नहीं है, हम ये मिट्टी छोड़ने को तैयार नहीं है, बुरा हो भला हो हम यही हैं, यही रहेंगे, और ये जो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने छोटे छोटे ख्वाब लेकर के, वो अपने बड़े ख्वाबों के साथ उन्हें मर्ज करें। ये है मैं समझता हूँ देशभक्ति। और इन दोनों के बीच में बड़ा भयंकर टकराव है इस वक्त, एक बार फिर सन 47 के बाद, खास तौर से 2014 में जो बदलाव आया है उसने इस संघर्ष को कहीं ज़्यादा गहरा कर दिया है, और मेरी उम्मीद यही है कि अगली आने वाली नस्लें जो हैं वो इस बात को समझेंगी कि हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत नहीं है, असल नफरत है उन लोगों में जो समझते हैं कि नफरत की राजनीति करके सत्ता हासिल की जा सकती है। उन्होंने 2014 में ये परिणाम देख लिए हैं कि हाँ ऐसा किया जा सकता है कि नफरत बड़े पैमाने पर फैलाई जाए, और उस बड़े पैमाने पर अगर नफरत को फैला दिया गया तो फिर एक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर पहुंच सकता है, चाहे उसने पूरे के पूरे गुजरात में आग क्यों ना लगाए। तो यही साझा सपने अपने लिए, यही साझा सपने अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, यही साझा सपने अपने देश के लिए थे, जिसके चलते पाकिस्तान भले बन गया लेकिन जो बचा वो ओरिजिनल हिंदुस्तान था, वही भारत था जिस भारत का साझा ख्वाब गांधी ने भी देखा था, मौलाना आज़ाद ने भी देखा था, नेहरू ने भी देखा था, भगत सिंह ने भी देखा था,
खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी देखा था और तकरीबन उन सारे लोगों ने देखा था जो अंग्रेजों की दलाली नहीं कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। यही वो जिद, यही वो पागलपन, यही वो मोहब्बत थी जिसकी वजह से इस देश में जो रहा वो रहा, न तो वो ग्रीन कार्ड लेकर अमेरिका उड़ा और ना ही अपना सामान उठाकर पाकिस्तान भागा। और इसीलिए 15 अगस्त 1947 और उसके बाद जिन लोगों ने फैसला किया था कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे, वो हिंदुस्तानी हैं और उनके हक़ो हुकूक उनके धर्म या उनकी जात पर निर्भर नहीं करते हैं, ये बात हमारा संविधान भी कहता है। और यही बात है, यही तर्क है जो सभ्य हिंदुस्तान का तर्क है, जिसको असभ्य हिंदुस्तान नष्ट करना चाहता है। जब तक हो सकेगा कोशिश हम यही करेंगे कि असभ्य हिंदुस्तान को सफल ना होने दें। जहां हैं, जैसे हैं, जितनी है, अपनी आवाज़ कम से कम उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया गौर साहब हमारे शो में आने के लिए, आगे भी हम आपको परेशान करते रहेंगे। शुक्रिया, ठीक है।